बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान महमूद मसूद कादरी, मोटिवेशनल स्पीकर, रिलीजियस स्कॉलर एंड ट्रेनर। हमारा मुहर्रमुल हराम का ये सिलसिला जारी है, जिसमें हम आज आपके सामने सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मदीना पाक से रवानगी का जो सफ़र है मक्का पाक की तरफ, उसको बयान करेंगे। आज के इस मौजू पर चंद कलिमात आपके गोश गुजार करने से पहले एक ज़रूरी बात जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि मदीना पाक के मारूजी हालात को अगर सामने रखें तो सैयदना इमाम हुसैन जब मदीना छोड़ रहे थे तो आपके कल्बे अतहर की कैफियत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। किस मजबूरी में आपने मदीना तैयबा छोड़ा होगा, और एक बात आपने बड़ी वजाहत के साथ बयान फरमा दी, और वो बात ये थी कि अगर इस्लाम पर मुश्किल वक्त आ जाए, इस्लाम पर कड़ा वक्त आ जाए, इस्लाम की कदरों को पामाल किया जा रहा हो, हुर्मत व हिल्लत का ख्याल न रखा जा रहा हो, हलाल और हराम का ख्याल न रखा जा रहा हो, तो इमाम हुसैन ने अपने तर्ज अमल से बता दिया कि उसकी खातिर जब इस्लाम पर हर्फ आ रहा हो तो उसकी खातिर फिर मदीना तैयबा भी छोड़ा जा सकता है। आप ज़रा चश्मे तसव्वुर में ख्याल कीजिए और तसव्वुर कीजिए कि वो मदीना तैयबा के जहाँ इमाम हुसैन की विलादत हुई हो, वो मदीना तैयबा जहाँ इमाम हुसैन का बचपन गुजरा हो, लड़कपन गुजरा हो, वो मदीना तैयबा जहाँ नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से बचपन की यादें वाबस्ता हों। इमाम हुसैन ने किस कदर अपने दिल को तसल्ली देकर उस मदीने को छोड़ा होगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब सन 60 हिजरी का ज़माना आया, हज़रत अमीर मुआविया का विसाल हो गया, यजीद तख्त नशीन हो गया, उसके बाद अब वलीद बिन उतबा जो मदीना का गवर्नर था, वो बार बार इमाम हुसैन को ये पैगाम भेज रहा था और बार बार यजीद के कहने पर मजबूर कर रहा था कि आप यजीद की बैत कर लें। और इमाम हुसैन बार बार यही कह रहे थे कि मैं किसी फासिक, किसी फाजिर, किसी जालिम, किसी दीन की हदों के पामाल करने वाले की बैत नहीं करूंगा, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो इस्लाम की हदों को पामाल करता है, जो इस्लाम के नाम पर धोखा देता है, दगा देता है, जो इस्लाम के नाम पर फ्रॉड करता है, जो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करता है, जो सारी हदों को क्रॉस कर जाता है, मैं उसका साथ देने वाला नहीं, मैं उसके हाथ में अपना हाथ, मुबारक हाथ देने वाला नहीं, क्योंकि इन हाथों को मुस्तफ़ा ने चूमा है, इस माथे को मुस्तफ़ा ने चूमा है, मैंने आका अलैहिस्सलाम के कंधों पर सवारी की है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैत करने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पर एक अजीब बात आपको बयान करना चाहता हूँ कि ये वाकया करबला आखिर क्यों पेश आया, वजह क्या थी? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वजह ये थी कि ये दरअसल हक और बातिल का सवाल था, ये असल में खैर और शर का सवाल था, ये असल में सच्चाई और झूठ का सवाल था। इमाम हुसैन सच्चाई के अलमबरदार थे, इमाम हुसैन खैर के अलमबरदार थे, इमाम हुसैन उस हक के अलमबरदार थे जिस हक के अलमबरदार अंबिया अलैहिस्सलाम थे, जिस हक के अलमबरदार आका अलैहिस्सलाम नाना मुस्तफ़ा थे। इमाम हुसैन यजीद के हाथ पर बैत कैसे कर सकते थे? वलीद बिन उतबा ने 27 रजब को इमाम हुसैन को एक अलग जगह पर बुलाकर दोबारा पैगाम दिया और आखिरी बार पैगाम दिया कि ए हुसैन, यजीद बार बार इसरार कर रहा है कि मुझे हुसैन की बैत चाहिए या फिर हुसैन का सर चाहिए। इमाम हुसैन ने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, मैं आपके सामने वो जुमला पेश करना चाहता हूं, अगला फैसला आप खुद फरमा लें। इमाम हुसैन ने क्या जुमला इरशाद फरमाया? फरमाया, मिसली ला युबायिउ मिसलहू। ए उतबा, ए वलीद बिन उतबा,
मेरे जैसा यानी हुसैन उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर। मेरे जैसा मिसली ला युबाही मिसलहू, मेरे जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। आपने वलीद बिन उतबा से फरमाया कि मैं मदीना छोड़ना चाहता हूँ, मदीने से जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक रात की मोहलत दे दें। मुअज्जज़ नाज़रीन, वो भी कैसी रात होगी जब इमाम हुसैन मदीने में आखिरी रात के मेहमान थे। और आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा शायद कि इमाम हुसैन कोई रात भर तैयारी करना चाहते थे, कोई असलाह इकट्ठा करना चाहते थे, कोई फौज इकट्ठी करना चाहते थे? नहीं, आपके साथ तो वही 72 तन थे, वही खानदान के लोग थे, वही पर्दादार बीबियां थीं खानवादा मुस्तफ़ा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही मासूम बच्चे थे इमाम हुसैन के साथ। इमाम हुसैन ने कौन सी तैयारी करनी थी? हाँ, फिर उस रात क्या करना चाहते थे इमाम हुसैन? वो रात अपनी माँ सैयदा फातिमा तुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े पर गुजारना चाहते थे। वो अपनी रात नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पर गुजारना चाहते थे। बार बार जाते थे, बार बार आते थे, बार बार तैयारी का हुक्म देते थे। अपने अहले खाना से फरमा रखा था कि रात भर तैयारी करें, हमने सुबह निकलना है। सुबह तैयारी क्या की? एक माँ फातिमा तुज़्ज़हरा की चादर थी, एक बाबा अली शेरे खुदा का प्याला था, एक नाना मुस्तफ़ा की काली कमली थी, एक बाबा अली शेरे खुदा की तलवार थी। ये वो कुल मता थी अहले बैत अतहार की। इमाम हुसैन के लश्कर थी, नन्हे मुन्ने शहजादे हैं, पर्दादार बीबियां हैं। आज हुसैन से मदीना छुड़वाया जा रहा है, वो मदीना के जो नाना मुस्तफ़ा का मस्कन था, वो मदीना जो बाबा अली शेरे खुदा का मस्कन था, वो मदीना जो सैयदाए कायनात का मस्कन था, वो मदीना के जहाँ पर आका अलैहिस्सलाम से यादें वाबस्ता थीं। आज इमाम हुसैन वो मदीना छोड़ रहे हैं। अरे वो क्या मंजर होगा, वो क्या नज़ारा होगा, अरे वो दीदनी मंजर होगा जब हुसैन मदीना छोड़ रहे थे। मालूम था कि अब करबल का मंजर हमारी आंखों के सामने होगा। इमाम हुसैन मदीना छोड़कर मक्का की तरफ रवाना हुए। 28 रजब को 431 किलोमीटर का सफर मक्का की तरफ, मदीना से 431 किलोमीटर का सफर मक्का की तरफ। और 8 ज़िलहज को इमाम हुसैन ने मक्का छोड़ा। मुअज्जज़ नाज़रीन, मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ और पैगाम देना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन ने बता दिया कि लोगों, इस्लाम पर कड़ा वक्त आ जाए तो फिर ये इबादात कोई माना नहीं रखती, ये सजदे कोई माना नहीं रखते, ये नवाफिल कोई माना नहीं रखते। फिर आगे बढ़कर इस्लाम का दिफा करना पड़ता है, फिर मदीना भी छोड़ना पड़ता है, फिर मक्का भी छोड़ना पड़ता है। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे। अपने मेज़बान महमूद मसूद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में।